तो हेलो एवरीवन, सब कैसे हो? बढ़िया। तो यार, आज हम फिर जा रहे हैं अपने खेत में। तो हमारी इस टाइम पे हमारे यहाँ झंगोरू और कोदो का खेती इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, इसी टाइम पे करता भी है। तो हमें सिर्फ खेत पे ये देखने जाना है कि हमारा झंगोरू पक चुका है कि नहीं, काटने के लिए तो उसकी कटाई होनी है कि नहीं आज। तो वैसे मेरे उसके बाद देखने के बाद मेरा काम दूसरा ये है कि मुझे गाय बैल के लिए घास भी लेके आना है खेत से। तो ज़्यादा बात क्या करनी है, तो आज मेरा यही काम है और मैं आज इसी भी ब्लॉग पे लाऊंगा। तो हेलो गाइज, मैं हिमांशु होता हूँ, वेलकम टू के ब्लॉग। तो सब कैसे हो? बढ़िया। तो चलो फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो फिर दिखाते हैं आज का ब्लॉग। तो भाई, हमारे गाँव का रास्ता कुछ ऐसा है, छोटी छोटी सी गली बनी रहती है और यही रास्ता होता है हमारा खेत के रास्ते के। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर आज हम झंगोरा काटने जा रहे हैं, ठीक है? तो हमारे घर से लगभग ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर पे है, ठीक है, खेत। तो यहाँ पर जो झंगोरा, जहाँ झंगोरा हम बूनते हैं, ठीक है, वो जगह काफ़ी क्लोज होती है हमारे हमारे घर के काफ़ी पास होती है। और जैसे जहाँ सट्टी या गेहूँ बोते हैं वो जगह काफ़ी दूर होती है हमारे घर से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे घर से लगभग 100 या 150 मीटर के आसपास की रेंज में हमारे खेत हैं जहाँ पर हम झंगोरा लगाते हैं। तो भाई, ये हैं पूरे गांव वालों के खेत जो काफ़ी घर से काफ़ी करीब रहते हैं, ठीक है। और ये सट्टी है, तो भाई हम पहुंच गए अपने खेत में। तो ये हमारा छोटा सा खेत है यहाँ पर, ठीक है। और ये मम्मी ने घास रखा है मेरे लिए काट के, और मम्मी तो है नहीं जगह पे। तो मैं आपको बता दूँ भाई, अभी तो अभी पक रहा है, ठीक है, और झंगोरू हो गया, कटने के लिए तैयार हो गए। तो लगभग कल या परसों कटाई होगी शायद से इसकी। तो देख रहे हो आप, तो झंगोरू ही है भाई, और यहाँ पर काफ़ी लगा हुआ है इस जगह पर। और ये कोदू है, ठीक है। तो भाई, हमारे गांव की झंगोरों की खेती है। ज़्यादातर हमारे गांव में सब चीज़ होती है, झंगोरों से लेकर कोदू से लेकर सब चीज़ होता है, मगर टाइम टाइम पे हर चीज़ होती है। देख रहे हो भाई, तो नीचे सिर्फ खेती खेत में हर चीज़ दिखाई दे रही है भाई जगह पे। और देख सकते हो यहाँ पर तक पूरी कटाई होगी भाई, ठीक है। यहाँ पर तो लोगों ने कटाई कर दी पूरी, तो इतना कट चुका है, अभी इतना बाकी है काटने के लिए। तो शायद से कल परसों काटा जाएगा इसको। और भाई, अब मैं जा रहा हूँ सीधा घर। मैं यहाँ पर बेसिकली यार, मैं आपको दिखाने के लिए आया था कि हमारे यहाँ झंगोरू या की खेती कैसे होती है। तो अब चल रहे हम घर, और मैं इसलिए भी आया था क्योंकि मुझे यहाँ से घास लेके जाना था इस जगह से, ठीक है। हमारे गाय बैल बहुत ज़्यादा हैं तो उनके लिए भी घास लेके जाना पड़ता है मुझे। तो मम्मी ने काट के रखा था, उसी को लेके चल रहा हूँ। तो चलो फिर चलते हैं घर की तरफ। तो भाई, ये हमारा कंडा, ठीक है भाई, और इस पर घास लगा रखा मम्मी ने, पूरा फिट कर रखा है, बस मुझे लेके जाना है इसको। तो चलो निकलते हैं फिर इसको लेके। तो देख रहे हो भाई, यहाँ पर पत्थर बना रखे हैं। तो बैठने के लिए जब कोई खेत से आता है, ठीक है, तो उनके लिए बैठने के लिए बना रखा है यहाँ पर। और मैं वहाँ से आया हूँ, ठीक है, और मेरा वो है कंडा, घास हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब कोई भी नीचे खेत से आता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप है आज, और आज बारिश हुई नहीं है मगर धूप आज बहुत भयंकर। तो थोड़ा रेस्ट करेंगे यहाँ पर, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, 2 मिनट रेस्ट करेंगे उसके अच्छा घर चलेंगे। ये साथ आयो साथ ही हो जाओ। ये क्या सर माने तेमाल सर?
तो भाई अपन पहुंच गया घर में और हमारा फूल ले ले खा बेटा घास का। चलो यार हमने अपने भैंस को भी घास दे दिया है अगर और घर ही पहुँच गए तो। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।